लोगों ने सुबह टीवी को बुलाया, फुल मीडिया व्यू में मदरसा तोड़ दिया तो तोड़ दिया, आप क्या करें अभी। मेरा हिसाब से तो मेरे से ज्यादा अच्छा मुस्लिम का कोई दोस्त है ही नहीं। आप जुनाब बना रहा है, मैं डॉक्टर बना रहा हूँ। 1000 सीट है असम में मेडिकल कॉलेज में, 160 एवरी ईयर मुस्लिम स्टूडेंट्स आर गेटिंग एडमिशन। एक मुस्लिम लड़की को जाके बोलता हूँ कि 16 साल में आप शादी मत होइए, 5 साल का बाद बढ़िया से हैंडी कॉलेज, कॉटन कॉलेज से आप पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, इसका बाद आप शादी कीजिए। क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया? आप 3 शादी मत कीजिए, आप 1 शादी कीजिए और वही बीबी को प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए। क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया? मुस्लिम इज ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। मैं हिंदू का तो सीएम नहीं हूँ, मैं हिंदू को भी सलाह दूंगा, मुसलमान को भी सलाह दूंगा जी। जब हिंदू को सलाह देता हूँ आप हेडलाइन नहीं करता है, जब मुसलमान को सलाह देता हूँ आप हेडलाइन करता है, एंड देयर बाय गिविंग ए इंप्रेशन दैट वी आर एंटी मुस्लिम। वो तो काम नहीं चलेगा ना। लड़की लोग आके स्कूटी लेते हैं, उस समय मेरा दिमाग में आते हैं कि यही उम्र का लड़की हमारा वो फलाना सब डिविजन में 4 बच्चा का अभी माँ बन चुका है। तो मैं भाषण में बोलता हूँ कि माई हार्ट गोज टू दोज लेडीज, दोज गर्ल्स हु शुड हैव बीन इन कॉलेज बट बियरिंग 5-4 चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 19। तो बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलने से समाज कैसे सुधर होगा? कोई मुसलमान ओएसी का प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमान भारतवासी है और भारतवासी को आस्था रास्ता दिखाना हर भारतवासी को दायित्व कर्तव्य। आर यू एंटी मुस्लिम? आर यू? अगर मैं आपको कह रहा हूं, जो एक धारणा बन रही है, लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा हैज एन एंटी मुस्लिम व्यू, जो एक सेक्युलर देश में ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, और ये और इस पर बातचीत हो रही है पिछले 2-3 हफ्तों से। आप देखिए, एंटी मुस्लिम कौन है और डेफिनेशन कौन करेगा? अगर ओएसी साहब करेगा तो मैं एंटी मुस्लिम, ठीक है। लेकिन देश पे अगर आप केरला का गवर्नर साहब को बुला के बोलता है हिमंत वो किया है, वो बोलेगा प्रो मुस्लिम। अभी देखना पड़ेगा हु इज डिफाइनिंग यू। मैं बोल रहा हूं कि आप मद्रासा जाने से आप जोनाब बनेगा, मेरा स्कूल में आओ आप डॉक्टर बनेगा। तो मेरा हिसाब से तो मेरे से ज्यादा अच्छा मुस्लिम का कोई दोस्त है ही नहीं। आई एम द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ मुस्लिम। आप जोनाब बना रहा है, मैं डॉक्टर बना रहा हूं। आप मौलवी बना रहे हैं, हम बोला भाई मौलवी आपको अभी बनने का जरूरत नहीं, मौलवी है भारत में, कम होगा तो जरूर बनिए, बट फिलहाल आप इंजीनियर बनो। अभी असम में कोई सारे लोग मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम लोग डॉक्टर पढ़ते हैं, आप देखिए 5 साल में देयर एंट्री टू मेडिकल कॉलेज हैज गॉन अप रियली वेरी हाई। अभी 1000 सीट है असम में मेडिकल कॉलेज में, 160 एवरी ईयर मुस्लिम स्टूडेंट्स आर गेटिंग एडमिशन On merit, कोई एपीजमेंट वाला बात नहीं। उनको आप शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, माहौल तैयार कीजिए कि यू हैव पोटेंशियल टू बिकम somebody बियॉन्ड मौलवी एंड जुनाब। मैं कोई मौलवी जुनाब काम खराब है नहीं बोलता हूं, बट अगर आपका पोटेंशियल है डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनो। अगर आपका पोटेंशियल है मौलवी बनना है, मौलवी बनो। लेकिन मैंने मद्रासा का स्टूडेंट का बीच में देखा, बहुत ही मेरिटेरियस बच्चा है, अच्छा बच्चा है, तो इसको आप आगे जाके डॉक्टर बनाइए। अगर मैं और एक मुस्लिम लड़की को जाके बोलता हूँ कि 16 साल में आप शादी मत होइए, 5 साल का बाद बढ़िया से हैंडी कॉलेज, कॉटन कॉलेज से आप पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, इसका बाद आप शादी कीजिए, क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया? मैं अगर बोलता हूँ भाई आप अच्छा खासा नौजवान है, आप 3 शादी मत कीजिए, आप 1 शादी कीजिए और वही बीबी को प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया? तो वो तो मैं तो उनका भलाई के लिए बोल रहा हूं। आई एम सीएम ऑफ असम। वो कहेंगे आप इंटरफियर क्यों कर रहे हैं, उनकी ये पर्सनल लॉज है, उनके अप्रोच है। आपको क्या माना कहा है? आप मुझको संविधान में बोलिए, कोई बाधा है क्या मुसलमान लोगों को ये बोलने का कि भाई आप एक है 16 साल में शादी मत हुई है, 22 साल में है। मुस्लिम इज ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। मैं हिंदू का तो सीएम नहीं हूं, मैं हिंदू को भी सलाह दूंगा, मुसलमान को भी सलाह दूंगा जी। जब हिंदू को सलाह देता हूं वो आप हेडलाइन नहीं करता है, जब मुसलमान को सलाह देता हूं वो आप हेडलाइन करता है, एंड देयर बाय गिविंग ए इंप्रेशन दैट वी आर एंटी मुस्लिम। वो तो काम नहीं चलेगा ना। कुछ कुछ बातें काफी पेनफुल होता है, जैसे हायर सेकेंडरी क्लास 2 पास करने का बाद हम बच्चा को स्कूटी देता हूँ असम में, जो भी
फर्स्ट डिवीजन गर्ल्स मिलता है, 20-22 हज़ार हम स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, लड़की लोग आके स्कूटी लेते हैं। उस समय मेरा दिमाग में आते हैं कि यही उम्र का लड़की हमारा वो फलाना सब डिवीजन में 4 बच्चा का भी माँ बन चुका है। तो मैं भाषण में बोलता हूं कि माय हार्ट गोज टू दोज लेडीज, दोज गर्ल्स हु शुड हैव बीन इन कॉलेज बट बियरिंग 5-4 चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 19। तो बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलने से समाज कैसे सुधर होगा। कोई मुसलमान ओएसी का प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमान भारतवासी है और भारतवासी को अस्ता रास्ता दिखाना हर भारतवासी को दायित्व कर्तव्य है। ये आप ओएसी का मॉर्गेज मत कीजिए मुसलमान को, ये गलत अप्रोच है। आपको ओएसी के साथ पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मेरा जैसे आप ओएसी कौन है, मैं एक ही दो बार मिला हूं, सोर्स का साथ प्रॉब्लम है। He thinks that he speaks for Muslim. तो मेरा है, ठीक है, मैं भी मुसलमान के लिए बात करता हूँ, कभी वोट वोट करवाइए, कौन अच्छा कौन मुसलमान किसको मानते हैं। आपको तो नहीं मानते, आपका पार्टी तो पूरा देश में नहीं है। How media thinks that he is a spokesperson of Muslim? How you came to that conclusion? Because वो तो खाली हैदराबाद ही जीतता है।